तो एज सेड आपके पास अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपके पास uh, दो सॉफ्टवेयर कंपनी कंपोनेंट है यू हैव लैंग्वेजेस यू हैव अ हाई लेवल लैंग्वेज यू हैव असेंबली कोड एंड यू हैव अ मशीन कोड तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज

बिकॉज मशीन लैंग्वे लैंग्वेज के अंदर असेंबली कोड को लिखना देट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड देर इज नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन असेंबली कोड इज नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग मशीन कोड नाउडीज ठीक है अब यहाँ पर इफ यू रिमेंबर इट अगर आपको याद हो सो इन योर हाई लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल सी इज द हाई लेवल लैंग्वेज दैन यू कैन राइट अ कोड समथिंग लाइक दिस दैट यू हैव अ मेन फंक्शन और आप मेन फंक्शन के अंदर यू कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ वेरेबल्स यू हैव इंटीजर ए इन टीजर बी राइट इंटीजियर सी दिस कांड ऑफ वेरिएबल्स यू कैन हैव यू कैन परफॉर्म सम स्टेटमेंट्स लाइक ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड सो ऑन आप कुछ चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओके बट वैन यू लुक एट दिस असेंबली कोड तो जो आपका असेंबली कोड है देट विल भी समथिंग लाइक दिस एड आर नॉट कॉमा आरबन वेयर आर नॉट इन आर वन आर रजिस्टर्स उसी तरीके से यू हैव सब्ट्रैक्ट आर नॉट कॉमा आरबन वेर आर नॉट इन आर वन आर रजिस्टर्स एंड वेन यू सी दिस मशीन कोड तो जो मशीन कोड है इट्स समथिंग लाइक दिस राइट सो इन बाइनरी यू राइट योर मशीन कोड ठीक है फाइन अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी जो कम्प्यूटर लैंग्वेज हैं देर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक यू हैव प्रोसीजर लैंग्वेज यू हैव ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव सम फंक्शनल लैंग्वेजेस एंड यू हैव समिकलेटिव लैंग्वेजेस जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज में फॉर ट्रैन इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज कोबॉल इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज बेसिक वॉज अ प्रोसीजर लैंग्वेज ये जो लैंग्वेजेस थे दीज आर यूज इन नाइनटीन सेवनटीज़ सो नाइनटीन सेवनटीज एंड नाइनटीन एटीज दिस फॉर ट्रैंड कोबोल एंड बेसिक दे यूज़ टू बी वेरी वेरी फेमस उसके बाद वी हैव अ सी लैंग्वेज तो नाइनटीन सेवनटीज़ एंड नाइनटीन एटीज़ के बाद जो है सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस हुई एंड यू हैव सी एंड ए डी ए दीज आर योर प्रोसीजर लैंग्वेज करेक्ट देन फ्रॉम दीज प्रोसी लैंग्वेज वीट डिजाइंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रोग्रामिंगिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आपकी एक लैंग्वेज है स्मॉल टॉक यू हैव सी प्लस प्लस यू हैव विजुअल बेसिक यू हैव सी शार्प डॉट नेट यू हैव जावा एंड देन यू हैव फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक यू हैव लिस्प यू हैव स्कीम एंड देन यू हैव समिकलेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक यू हैव प्रोलॉग अब जनरली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास आ सकती है सो दे आर टू काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नंबर वन द लैंग्वेज दैट आर डिज़ाइंड फॉर सम स्पेसिफिक परपज जिसको सिर्फ एक स्पेसिफिक परपज़ के लिए ही डिज़ाइन किया गया है जैस इज आई मीन दे आर डिज़ाइन टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक हार्डवेयर और दे आर डिज़ाइन टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली ठीक है जैसे अगर आपको पता हो वी यूज़ ऑब्जेक्टिव सी करेक्ट ऑब्जेक्टिव सी इज़ यूज टू डिज़ाइन आई ओ एस एप्लीकेशन सो ऑब्जेक्टिव सी है हार्डली वी यूज इट टू डिज़ाइन एनी अदर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन हम लोग सिर्फ आई यू एस एप्लीकेशन के लिए ही मोस्टली ऑबजेटिव सी का यूज़ करते हैं इवन इफ़ यू वॉन्ट टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर फॉर मैक इन टॉच ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन वी कैन यूज़ ऑब्जेक्टिव सी ठीक है अब उसी तरीके से हमारे पास कुछ लैंग्वेजेज होती हैं देट आर कॉल्ड एज योर जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि हम इन सभी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आई मीन इन जनरल जैसे आप यू आर यूजिंग दिस लैंग्वेज टू डिज़ाइन अ वेबसाइट यूर यूजिंग दिस लैंग्वेज टू डिज़ाइन सम काइंड ऑफ लॉजिक कुछ अपने तरह का सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं तो वो हम लोग जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग उसको बोलते हैं ठीक है अब ये जो जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ हैं दीज आर द लैंग्वेज दैट आर वेरी वेरी फेमस दैट वी जो भी आपकी कंपनीज़ होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव इन्फोसिस एंड योर टेक महिंद्रा मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज दे यू नो हायर पीपल हु आर वर्किंग ऑन जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं जनरल पर्पज ओके अब जैसे यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल है आउट ऑफ ऑल दीज लैंग्वेज काबोल काबोल वॉज अ बिजनेस यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन फोर ट्रैन वॉज यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ओनली फोट्रैन जो है वो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ही बनाई गई थी एंड यूजिंग दिस फोट्रैन वी हैव ऑल्सो डिजाइन मैट लैब अब जो लोग यहाँ पर मास्टर्स कर चुके हैं इन बी टेक स्टूडेंट्स बी टेक के लिए आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है बट जो लोग यहाँ पर मास्टर्स कर चुके हैं वो हैव डन सम रिसर्च एंड पी एच डीज देन दे नो मैट लैब तो उनके लिए मैट लैब समझना बहुत ज़रूरी है आई थिंक दे वर्क ऑन मैट लैब ओके देन यू हैव पास्कल सो पास्कल वॉज यूज एज अ जनरल purpose right it is a general use language but we have c and c++ that became the very first language jo ki bahut zyada famous hui aur ye jo c and c++ hai ye general purpose programming languages hua karti thi okay उसके बाद हमारे पास prolog है, prolog means programming logic और जो programming logic है, that is used for

सो दैट इज़ वाई आप चेकआउट करेंगे देर आर वेरी फ्यू पीपल देर आर वेरी फ्यू एप्लीकेशन वेर पीपल आर वर्किंग ऑन पासकल लेकिन स्पेसिफिक uh, एप्लीकेशन के लिए ही काम करते हैं वेरी फ्यू प्लेस वेर जो लोग हैं तो पीपल आर वर्किंग ऑन माइटलैप बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर वर्किंग ऑन सी सी प्लस प्लस शे शाह पंजाबा ये सभी जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ज़्यादा लोग यहीं पर काम करते हैं ओके ओके फाइन नाउ वेन यू राइट अ प्रोग्राम जैसे आपने एक प्रोग्राम को लिखा दिस इज़ अ प्रोग्राम अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज़ हाई लेवल लैंग्वेज राइट सो यर राइटिंग इन टीजर ए इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू सिक्स एंड सी इज इक्वल टू सेवन आई कैन से ए इज इक्वल टू बी प्लस सी सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोग्राम आई कैन राइट अब ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है दिस प्रोग्राम इज इन हाई लेवल लैंग्वेज किसमें है ये प्रोग्राम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ओके सो वी कॉल दिस एज ए सोर्स कोड अब इस प्रोग्राम को हम देते हैं प्री प्रोसेसर के पास वे यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम तो सबसे पहला स्टेज होता है आपके पास प्री प्रोसेसर ये जो प्री प्रोसेसर का स्टेज का काम क्या है सो प्री प्रोसेसर इज गोइंग टू रिमूव ऑल द हैश डिफाइन स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम तो जहाँ पर भी हैश डिफ़ाइन स्टेटमेंट है ये उसको रिमूव करेगा इट इज़ गोइंग टू रिमूव एक्स्ट्रा वाइट स्पेसिज जो भी आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है उन सबको रिमूव करेगा इट इज गोइंग टू रिमूव द न्यू लाइन कैरेक्टर इट इज़ गोइंग टू रिमूव योर कमेंट्स ये सभी कमेंट्स को रिमूव करेगा बेसिकली इट इज़ गोइंग टू रिमूव द प्रोग्राम जो कि यूज़र ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किए हैं मेरे कहने का मतलब क्या है वॉट डू आई रियली मीन टू से बाई दिस देखो जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम को इंडेंट करते हैं इंडेंटेशन हम लोग देते हैं ताकि जो प्रोग्राम का रीडर है उसको समझ में आए कि हम लोग प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में राइट जैसे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं राइट जैसे हैश इंक्लूड एस टी डी आई आपका एक हेडर फाइल है राइट right? अब यहाँ पर हेडर फाइल के बाद वाई डू वी गिव अ एक्स्ट्रा न्यू लाइन हम नई लाइन को क्यों देते हैं द इज़ नो यूज़ ऑफ गिविंग अ न्यू लाइन इसका कोई बेनिफिट नहीं है इवन विदाउट गिविंग अ न्यू लाइन यू कैन राइट इट बट हम लोग एक न्यू लाइन क्यों दिया हमने ताकि हम लोग समझ पाए कि हमने प्रोग्राम में क्या किया है उसी तरीके जैसे मेन फंक्शन है इन दिस मेन फंक्शन आई कैन गिव अ कमेंट आई कैन गिव अ सिंगल लाइन कमेंट आई कैन गिवि अ मल्टी लाइन कमेंट तो यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकता हूँ आई कैन गिव अ इंटेंटेशन जैसे आई कैन से इंटीजर इंटीजर ए राइट आफ्टर सम कैन राइट अ फोर लूप एंड सो ऑन तो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैंट वी राइट फॉर द यूज़र अंडरस्टैंडिंग मतलब यूज़र के समझने के लिए हम इन चीज़ों को लिखते हैं बट थिंग इज दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स आर नॉट फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम ये सभी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है दिस इज़ जस्ट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले हम प्रोग्राम को देते हैं प्री प्रोसेसर के पास द यूज़ ऑफ प्री प्रोसेसर इज़ टू रिमूव ऑल ऑफ़ दिस अननेसेसरी कमेंट्स बिकॉज कम्प्यूटर्स को ये सभी कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है इज़ टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस हैश डिफाइन स्टेटमेंट जहाँ पर भी एन को हमने यूज़ किया है ऑल ऑफ़ दिस एन विल बी रिप्लेस बाई फाइव प्री प्रोसेसर विल रिमूव ऑल द न्यू लाइन मतलब जो भी यहाँ पर लाइन चेंज हो रहा है लाइन चेंज को हम बोलते हैं न्यू लाइन तो जो भी लाइन चेंजेस हो रहे हैं हम इन सारे लाइन चेंजेस को हटा देंगे इट इज़ गोइंग टू रिमूव ऑल द अननेसेसरी स्पेस वो सभी चीज़ों को प्री प्रोसेसर रिमूव करेगा अब प्री प्रोसेसर के बाद जो हमें प्रोग्राम मिलेगा दैट एंटायर प्रोग्राम विल बी अ वन सिंगल लाइन प्रोग्राम वो आपका वन सिंगल लाइन प्रोग्राम है ओके दैट इज़ अ वन सिंगल लाइन प्रोग्राम अंडरस्टूड इतना समझ में आया ठीक है अब बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन तो टी ओ सी सब्जेक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज का यू में एक कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज का लैंग्वेज मीज वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज दैट इज़ अ यूजर डिफाइंड लैंग्वेज जो यूजर जो है एक मैथमेटिकली प्रिसाइज लैंग्वेज को क्रिएट कर सकता है करेक्ट अब उन सभी लैंग्वेज में वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज जैसे आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है यू हैव अ कंटेक्सट फ्री लैंग्वेज यू हैव अ कंटेक्सट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड यू हैव अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज राइट तो हमारे पास अलग अलग लेवल्स की लैंग्वेज थी करेक्ट एंड टू जनरेट अ लैंग्वेज वी यूज़ समथिंग कॉल्ड एज ए ग्रामर एक लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्रामर्स का यूज़ करते हैं ठीक है